हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ दीपाली शाह एंड यू आर वाचिंग दीपाली मैम साइंस क्लासेस. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताने वाली हूँ. और इसके पहले जो है आप लोगों को इसके फॉर्मूले वगैरह जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है. इसके मैंने दो वीडियोज़ बना रखे हैं, तो काइंडली आप लोग वो वीडियोज़ देख लो, तभी आपको न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा सॉल्व करना. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी सारी चीज़ें जो आपको गिवन है वो क्या दी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है. ठीक है, तो वो आप लोग वीडियोस देख लेना. और यहाँ पे मैं आपको जैसे फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ न्यूमेरिकल के, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको ये ईजीली जो है मैं वो कम टाइम में करा सकूँ. ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आर इन 5 मिनट्स. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट पे होती है, और जब वो स्टार्ट करती है तभी उस टाइम पे वो रेस्ट पे होती है, और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है, 72 किलोमीटर पर आर होती है, और उसको कितना वो कितने टाइम में होता है, वो 5 मिनट्स में होता है. ओके, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले उस चीज़ को उतारना ज़रूरी होता है. ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव बिन गिवन क्या क्या गिवन है आपको. आपको यहाँ पे u इक्वल्स टू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है. ओके, इसके बाद जो v है, v आपको क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. ओके, इसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में. और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 72 × 1000 / 60 × 60. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं, 1000. दैट्स वाई हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा. देन यहाँ पे आप जो टाइम देख रहे हो वो यहाँ पे आर में दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना, सेकेंड में. एज वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं. दैट्स वाई हमने 60 × 60 करा. तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड. ओके, क्या आ गया आपका, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया. आपको टाइम भी गिवन है जो कि आपको 5 मिनट्स दिया हुआ है, इसको भी आपको क्या करना है, इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड होता है. दैट्स वाई हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड. ओके, तो आपका यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये है, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया. जो टाइम है वो भी आपको मिनट में गिवन था, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेकेंड में. अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन. हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी. ये भी मैंने आपको बता रखा है एक्सेलरेशन क्या होता है. तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या हो जाएगा, वी जो है वो आपका क्या हो गया, 20 − 0 / t क्या है आपका, 300. ठीक है, तो 20 / 300 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/15 m/s. ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया आपका, 1/15 m/s. ठीक है, इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है हमें आपको पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और आपको क्या निकालना है. ठीक है, तो उसी पे हम ये देखेंगे कि हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिससे ये पूरा सॉल्व हो जाए. तो यहाँ पे हम देखो, हमारा जो इक्वेशन था 2as = v² - u²
ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, 2 × 1/15 मल्टीप्लाई एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर, क्या है आपका 20² − 0² ओके। एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 × 15 × s ओके। यहाँ पे 220 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, 0 को तो 0 आएगा, 0 से माइनस करेंगे तो भी आपका यही नंबर आ जाएगा ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा उधर जाते ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ओके। इट मीन्स क्या है 15/2। अब ये 2 से 400 जो है वो क्या है, डिविजिबल है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे 200। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया 15 × 2 = 30 3000 मीटर। और s अगर हम इसको किलोमीटर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व हो गया ठीक है। हमें एक्सेलरेशन भी निकालना था, हमें डिस्टेंस भी निकालना था, तो हमें क्या देखना है और एक बार मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, उसको हम पहले लिखेंगे कि जो भी चीज़ें हमें गिवन है और उसमें जो यूनिट है वो कैसे दिया हुआ है ठीक है। फिर हम उसको अगर कन्वर्ट करने का रहेगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, बाकी सिर्फ फिर आगे हम ये देखेंगे कि हमें क्या निकालने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है हमें न्यूमेरिकल्स में क्या लगाना पड़ेगा, वो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूला आप माइंड में रखो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं कि वो सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, हमें यहाँ पे वी भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया। सेकंड में आपको क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस में हमने क्या करा, यहाँ पे आपको वी गिवन है, यू गिवन है, ए भी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैं बताती हूँ ओके। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको क्या दिया हुआ है कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h टू 36 km/h इन 5 सेकेंड ठीक है। क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। इट मीन्स क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि एक कार है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है और इसमें आपको 18 km/h से लेकर 36 km/h जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको वेलोसिटीज दी हुई है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ओके, और आपको टाइम भी दिया हुआ है ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव जो हमें गिवन है, वी हैव बिन गिवन, क्या गिवन है आपको, सबसे पहले आपको यू गिवन है, यू इक्वल्स टू क्या हो गया 18 km/h। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 × 1000 में क्या आ जाएगा 60 × 60 ठीक है। तो क्या आ गया आपका 5 m/s ठीक है। आपको जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, और जो आर में है उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 60/60 करेंगे ओके। जो दूसरा आपको वी दिया हुआ है, वी मीन्स क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी आपको 36 km/h दिया हुआ है, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, 0000 कट गया, 6 × 36 ये 6 कट गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 10 m/s ठीक है। आपको टाइम भी गिवन है, t इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड ओके। फर्स्ट आपको क्या सॉल्व करना है, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी ठीक है। v आपको क्या दिया हुआ है 10, u 5 अपॉन क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5 इक्वल्स टू 1 m/s² ठीक है। क्या आ जाएगा 1 m/s². सेकेंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इसकी यूनिट क्या होती है,
पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक मेरा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मीटर पर सेकंड करा दिया था, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको डिस्टेंस पूछा गया है। आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे ये वाला भी लगा सकते हो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू भी कितनी है 5, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, टी की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 5 25 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 25 अपॉन 2 इक्वल्स टू 75 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 3 6 2 7 14 37.5 मीटर डिस्टेंस पूछा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि आपने सारी चीज़ें जो है वो मीटर में लिख रखी है, इसलिए मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी वैसे ही था, आपको जैसे उस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे V भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, A भी आपने निकाल लिया, T भी आपको गिवन है, तो उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी ये हो सकता है। मैंने आपको फॉर्मूले के लिए बताया किस तरह से किस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब मैं आपको कराऊंगी थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस निकालना है कि कितना कवर कर रहा है स्टॉप से पहले के स्टॉप तक पहुँचने के पहले। यहाँ पे आपको जब ब्रेक अप्लाई हो रहा है उस ट्रेन का, उस टाइम पे क्या होता है, इसका वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर होता है, मीन्स कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, यू इक्वल्स टू है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद V जो है वो स्टॉप होने के कारण जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जो है वो आपको रिटार्डेशन में दिया हुआ है, रिटार्डेशन में होने के कारण ये क्या हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आर में है, सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 × 1000 / 60 × 60। ठीक है, ये हम इसको काट लेंगे, काटेंगे 20 50, इससे इसको काटेंगे 25 इक्वल्स टू आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे जैसे आपको U गिवन है, V गिवन है, A भी गिवन है। हम अगर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं ग्राफिकल मेथड वाला, 2as इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर जो है, v की वैल्यू जो है वो 0 है, -25 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 25 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 अपॉन जो है ये क्या हो जाएगा -10। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 62.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी निकल गया। इस तरह से बहुत इजी होता है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप बस इसको ट्राई करो, कोशिश करो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। आपको पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर जो गिवन है उस चीज़ को लिखो, फिर आप वहाँ पे ये देखो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे जो वहाँ पे आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है रियली। तो आप लोग जो है वो आपको बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करोगे ऑब्वियसली आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो जो है मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आई होप कि आप लोग वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ईजिली सारा समझ में आ जाएगा।
का प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत करना है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।